एमएससी उन्होंने तीन दिन नहीं कराई, अब उसके बाद में चौथे दिन जो कुछ भी हो रहा है सीधे सीधे पता लग रहा है कि किसके षड्यंत्र पे हो रहा है। हमने सियासत के लिए महिला सम्मान की बात नहीं की, ये सियासत के लिए सिर्फ करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी थी उस समय निर्भया के साथ जो कांड हुआ था कि उसकी माँ का मुंह बंद करने के लिए आपने उनको तरह तरह के लुभावने जो है गिफ्ट देने शुरू हुए। मैं एक फौजी हूँ, गांधी परिवार नहीं चाहिए, जो मुझे फांसी में जाना होगा तो तैयार। राधिका खेड़ा के लिए आपने बोला बीजेपी की है, ईडी रेड मार दिया, पैसे निकलते हैं तो कहते हैं बीजेपी ने कर दिया। एक सवाल सर, एक सेकंड सर, सुप्रिया सिन्हा जी, सर सुप्रिया सिन्हा जी सर, कि आपकी पार्टी को जनता क्यों वोट दे जब आपने शहीद मोहन चंद शर्मा जी का शहादत का अपमान करते हुए बाटला हाउस एनकाउंटर को आपके नेता दिग्विजय सिंह ने फर्जी बताकर देश को दांव पे लगा दिया था। आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में ऑडियंस ने किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में अच्छे से धो डाला है, क्योंकि डिबेट तो चल रही थी सम्मान के ऊपर। जो दोनों प्रवक्ता आज महिला सम्मान पर ज्ञान बांट रहे थे उसी पर आज ऑडियंस ने उनको अच्छे तरीके से धो डाला है। तो आज की वीडियो बहुत फनी होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। स्वाति मालेवाल का आपने सुना, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आपको याद दिला रही है कि पहले भी स्वाति मालेवाल के साथ ऐसा हुआ था, तब आपने साथ क्यों नहीं दिया था? क्या आज वो सीधा मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रही है, इसलिए आप 7 सीटों को टारगेट करने के लिए इसको इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं? गौरव जी देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, अगर अरविंद केजरीवाल की बुद्धि, जिसमें बुद्धि छोड़ के सब कुछ है, ये मानते हैं कि स्वाति मालेवाल का मुद्दा केवल 7 सीटों पे असर डालेगा, तो मैं ये बता दूं ये हर सीट पे असर डालेगा। और ऐसा करारा जवाब मिलेगा, रिंकिया के पापा कर रहे थे ना, जनता कह रही है रिंकिया के पापा को दे देंगे वोट, लेकिन भ्रष्टाचारी अब्बा ये जो घूम रहे अरविंद केजरीवाल इनको वोट नहीं देंगे, कसम खाते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अंजना जी आप मुझे बताइए, एक मुख्यमंत्री उससे पूछा गया तुम्हारी पार्टी की नेत्री सांसद उसके साथ बदतमीजी हुई है, ऐसे थर थर खापे, माइक हटा दो, अखिलेश बाबा आप आ जाओ। अरे शर्म नहीं आई? मैं कहना नहीं चाहता, अगर आपके परिवार की किसी महिला के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या अरविंद केजरीवाल यही करते? नहीं, तब तो कहते देखिए क्या हो गया। और सबसे दुख की बात क्या है, आतिशी मार लेना सामने आई, कहती क्या है, महिला के कपड़े नहीं फटे। भाई अगर कपड़े नहीं फटे तो कोई इज्जत नहीं गई। ऐसी दरिंदगी वाली सोच को हमें खत्म करना है। और दिल्ली में सातों की सातों आएंगी, पंजाब में भी आप देखेंगे, पापी आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक बात मैं और कहूं, आज कांग्रेस की भी बता दूं, कांग्रेस पार्टी अब्बा जब्बा गब्बा इनको खुद नहीं पता कर क्या रहे हैं। इनसे ये पूछेंगे इनकी सीटें कितनी आएंगी, कहेंगे भाई भाजपा की 200 से कम आएंगे। अरे भैया भाजपा को तो जनता जिता रही है, 400 पार कर देंगे हम, आपकी नैया कौन पार करेगा ये बताओ। और आज शशि थरूर बोले, आई डू नॉट कॉमेंट ऑन गॉसिप्स। स्वाति मालेवाल की इज्जत गॉसिप हो गई, लेकिन प्रियंका वाड्रा मेरी बहन है, उनकी तरफ अगर कोई गलत नजर से भी देखे तो ये यकीन है भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी जैसे स्वाति मालेवाल के साथ। विधायक जी माइक उठाइए, एक महिला की कंप्लेंट है, पुलिस में कंप्लेंट है, लेकिन उस कंप्लेंट की जांच होने के पहले ही आपकी पार्टी के एक महिला मंत्री बैठकर कह देती है कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ है, वो झूठ बोल रही हैं, वो बीजेपी। एक महिला के खिलाफ कोई भी मामला हो, मुझे पता है आप पहलवान बेटियों का मुद्दा उठाएंगे, वो मुद्दा भी आज तक ने उतनी ही तेजी से उठाया था और यहीं से मैंने कई शोज किए थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि स्वाति मालेवाल के मुद्दे पर आपकी पार्टी इतना गलत रुख अपनाए। जांच तो होने देंगे ना, या जांच वांच सब अब मुख्यमंत्री आवास पर होता है? देखिए अंजना जी, जांच को ना तो कोई रोक रहा है ना कोई रोक सकता है। जितने बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे थे उसकी फुटेज आपने भी देखी, दुनिया ने देख ली है कि स्वाति जी वहां बाहर आई जा रही है। 3 दिन तक कोई एफआईआर उन्होंने खुद नहीं कराई, वो थाने गई तो उसके बाद नहीं कराई, एमएससी उन्होंने 3 दिन नहीं कराई, अब उसके बाद में चौथे दिन जो कुछ भी हो रहा है सीधे सीधे पता लग रहा है कि किसके षड्यंत्र पे हो रहा है। कल वो एलजी साहब से भी मिलनी, जिन एलजी साहब को वो लगातार कह रही थी कि दिल्ली के कामों को रोक रहे हैं, जिन एलजी साहब ने महिला आयोग की सभी लोगों को हटा दिया, महिलाओं को जो लड़कियां वहां काम कर रही थी, और उन्हीं से जाके मिलनी, तो साफ साफ पता लग रहा है कि कैसे मोहरा बनाया जा रहा है। क्योंकि भाजपा जानती है, ये पंजाब की बात कर रहे हैं तो हरियाणा में देखना इनका क्या हाल होने वाला, पंजाब की तो बात ही छोड़ दो आप, और दिल्ली के अंदर तुम्हारे 7 जन्मों में कुछ नहीं हो रहा, जो तुम देखते रहो हुआ क्या दिल्ली के अंदर तुम्हारे सामने, जो ये नया षड्यंत्र लेके आए हैं, क्योंकि इनको ये था कि अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे जेल के अंदर और ये दिल्ली के अंदर मौज मारेंगे। धन्यवाद दो सुप्रीम कोर्ट का, इस देश के संविधान का, जिसको बदलना चाहते हैं, जो बार बार 400 सीटें कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बाहर भेज दिया। अब इन्होंने नया तरीका खोजा,
कि कोई ना कोई तरीका तो वापस जाना है लेकिन जेल नहीं, जब तक जाएंगे तब तक तो प्रचार हो जाएगा ना है? एक बार देखिए चुनाव ही सब कुछ है, चुनाव सब कुछ नहीं है, जनता सब कुछ है, संविधान सब कुछ है, उस संविधान से ही छूटे है ना, जनता सब कुछ है, जनता चुनेगी, जनता एक बार 25 तारीख को दिल्ली में वोट करेगी, इनको अपने पाप पता लग जाएगा, ये जैसे शब्द बोलते ये पाप वो पाप इनको सब पता लग जाएगा। हमारी पार्टी सदैव महिला सम्मान के लिए, चाहे वो जंतर मंतर की बेटियों पर जब अत्याचार इनकी पार्टी इनकी पुलिस कर रही थी, सरयाम सबने देखा, उस समय भी हम साथ खड़े थे। हमने सियासत के लिए महिला सम्मान की बात नहीं की, ये सियासत के लिए सिर्फ करते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, सबने देखा देश में क्या हालात थी, आज तक मोदी जी न कोई कुछ बोल पाए न मणिपुर जा पाए। बृजभूषण जनता पार्टी के लोग जिस तरह की बात करते हैं, पूरा देश देख रहा है कि कैसे उनको ये संरक्षण देते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं, और सिर्फ सियासत के कारण। हाँ, बात जरूर लंबी लंबी करेंगे, ये जानता है लोग, बाबा साहब संविधान जिनको नहीं है न्यारा, 400 पार का वही दे रहे हैं नारा। आज जिस तरह की बात है सबको पता है, गाली गलौज पर उतर आए हैं, दंगा इनका मात्र एक ही सहारा है। जिस तरह से पांचवें चरण में चुनाव हुआ, पांचवें चरण के बाद जो हताशा और निराशा दिख रही है, अभी लोग नौटंकी भी करने लगे हैं। सीटें कितनी महामंडल महामंडली में ज्वाइन कर लीजिए, सीटें बता दूंगा आपको, सीटें जनता जनता चार जून को मोदी जी झोला लेकर के विदेश भागने की तैयारी में है। जब कांग्रेस पार्टी थी उस समय निर्भया के साथ जो कांड हुआ था, तब आप लोगों ने एक बहुत बढ़िया सा आवरण पहना दिया है उस निर्भया की लाश को, कि उसकी माँ का मुंह बंद करने के लिए आपने उनको तरह तरह के लुभावने जो है गिफ्ट देने शुरू हुए किए, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दी, बंगला गाड़ी सब कुछ दिया, इसलिए कि वो महिला के ऊपर कोई बात ना बोल पाए। और यही काम आम आदमी पार्टी ने अभी किया स्वाति मालीवाल के साथ में, और यही अभी 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 रिसेंटली परसों नरसों की बात है जो महिला पत्रकार के साथ हुआ। ये दिल्ली के अंदर संदेश खाली को आप चलो कलकत्ता में, वहां तो हिंदुओं के संग अत्याचार हो रहा, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके राज्य में क्या हो रहा है इस जगह पे, आप दोनों लोगों में बताइए। इसका जवाब ले लेने दीजिए मुझे, खड़े होइए सर। अगर आप पीएम मोदी को तानाशाह बोलते हैं तो उनकी उनको तानाशाह बोलने की क्राइटेरिया क्या है? अगर आप उनको तानाशाह बोलते हैं उस समय सोनिया गांधी और पंडित नेहरू को भूल जाते हैं। मैं एक फौजी हूं और 71 की लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद 75 में आप लोगों ने इमरजेंसी लगवा के लाखों लोगों को बेघर कर दिया, और मुझे सब कुछ चाहिए, तानाशाह नहीं चाहिए, नंबर एक, नंबर दो गांधी परिवार नहीं चाहिए, जो मुझे फांसी भी जाना होगा तो तैयार हूँ। तानाशाही नहीं चाहिए, यह पूरा देश चाहता है सर, इसीलिए उनको मोदी जी से देश क्यों मुक्ति मिल रही है। सवाल सुन लीजिए, जनता से मत भिड़िए, पूछे सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ, जवाब मेरे को चाहिए सर। ये ऐसी आदत क्यों है विपक्ष की कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अब खुद से कोई गलती होती है तो फिर बीजेपी के ऊपर डाल देते हैं। स्वाति मालीवाल का जो केस था उसको आपने बोल दिया बीजेपी की है, राधिका खेड़ा के लिए आपने बोल दिया बीजेपी की है, ईडी रेड मारती है, पैसे निकलते हैं तो कहते हैं बीजेपी ने कर दिया। अब आतिशी जी कह रही है कि यमुना से पानी नहीं आ पाएगा दिल्ली वालों को क्योंकि बीजेपी ने करवा दिया। और एक सवाल सर, एक सेकंड सर, सुप्रिया सुनिए जी ने सवाल सुनिए। सर सवाल नहीं चलता है। दो साल पहले सुप्रिया जी ने खुद ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो आम आदमी पार्टी है वो लिकर स्कैम कर रही है, अब भूल गए आप उस बात को? देखिए दो प्रश्न है निर्भया के साथ, निर्भया का प्रश्न कम से कम माता जी ने उठाया और चली गई लगता है। माता जी निर्भया के बारे में कम से कम हमने निर्भया कोष बना कर और पूरी देश की महिलाओं की सुरक्षा की बात। मेरा नाम विश्वेश्वर सिंह है और मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है कि आपकी पार्टी को जनता क्यों वोट दे जब आपने शहीद मोहन चंद शर्मा जी का शहादत का अपमान करते हुए बाटला हाउस इनकाउंटर को आपके नेता दिग्विजय सिंह ने फर्जी बताकर देश को दांव पे लगा दिया था।